Hi friends, welcome to my YouTube channel SK Anime Tutorial. In previous video, we started the chapter logic and learnt about the basic concept and its proposition, statement, etc. Okay, so today we continue this chapter and learnt so many things. Okay friends, start the chapter. Thank you friends. Okay friends, previous video में हम converse, inverse and contrapositive तक पढ़ा थे. तो आज स्टार्ट करेंगे बाई कंडीशनल. ओके, तो बाई कंडीशनल के द कंजक्शन ऑफ ए कंडीशनल पी कंडीशनल क्यू एंड इट्स कन्वर्स क्यू कंडीशनल पी यू इज ए बाई कंडीशनल एज रिटन एज पी बाई कंडीशनल क्यू. ओके, तो पहले पी कंडीशनल क्यू निकालेंगे, उसके बाद उसका एंड करेंगे उसके कन्वर्स के साथ. तो पी कंडीशनल क्यू का कन्वर्स बन जाएगा क्यू कंडीशनल पी यू. वो दोनों को जब एंड करेंगे, एंड से जोड़ेंगे, तो बन जाएगा बाई कंडीशनल. ओके, तो ट्रुथ टेबल करेंगे. देखो, तो ट्रुथ टेबल बन जाएगा पी क्यू एंड पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी एंड हमको चाहिए पी बाई कंडीशनल क्यू. कैसे बन जाएगा देखो, तो वो ले जाएंगे टी 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 एफ एफ टी एंड एफ एफ. ओके, जो हमारा लॉजिक का प्रीवियस वीडियो ना देखे उनको देखना चाहिए, वो देखने के बाद वो समझ में आ जाएगा. ओके, बिकॉज कंटेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक. तो जो ना देखे उनको आई बटन में ले दे दूंगा, तो वो वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा. ओके, तो देखो पी कंडीशनल क्यू मतलब पी को साथ क्यू का कंडीशनल करेंगे. कंडीशनल मतलब पहला टी उसके बाद फर्स्ट इज टी एंड सेकेंड इज एफ, आने से वो एफ होगा, अदरवाइज इन ऑल केसेस इट विल बी ट्रू. तो टी टी इट इज ट्रू, देन फर्स्ट टी सेकेंड एफ इट विल बी एफ, देन एफ टी बन जाएगा एफ, सॉरी टी बन जाएगा, देन एफ एफ बन जाएगा टी. समझ में आया? देन क्यू कंडीशनल पी करेंगे, मतलब क्यू के साथ पी का कंडीशनल करेंगे, तो बन जाएगा टी टी टी. देन एफ के साथ टी करने से फर्स्ट क्यू फर्स्ट एफ देन सेकेंड टी, तो इट विल बी टी. देन फर्स्ट टी देन सेकेंड एफ, तो फर्स्ट टी सेकेंड एफ होने से बन जाएगा फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी ट्रू. देन एफ एफ टी बन जाएगा. ओके, तो वो दोनों को एंड करने से वो क्या बन जाएगा, पी बाई कंडीशनल क्यू. वो दोनों को एंड करेंगे, तो एंड करो टी एंड टी टी बन जाएगा, क्योंकि ट्यू एंड ट्रू एंड करने से वो बन जाता है टी. देन एफ टी जो भी एफ एनएस एक भी एफ एन एस है वो फॉल्स बन जाएगा. मैं पहले बोल चुका हूँ, देन टी एफ बी ए बन जाएगा, देन टी टी भी टी बन जाएगा. ओके, तो बाई कंडीशनल इज इक्वल्स टू दिस ट्रुथ टेबल, दैट इज टी एफ एफ टी. ओके, तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तो फर्स्ट टी 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 हो जाएगा, देन टी एफ भी एफ होगा, एफ टी भी एफ होगा, क्योंकि दोनों साइड कंडीशनल हो रहे हैं. पी कंडीशनल क्यू हो रहा है, उसके बाद क्यू कंडीशनल पी हो रहा है, तो दोनों तरफ जब भी बाई कंडीशनल बन जाएगा, देन टी टी होने से टी होगा, एफ एफ होने से टी होगा, इन ऑल केसेस इट विल बी फॉल्स. ओके, तो दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा, देन फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, बट एक भी फॉल्स या एक भी ट्रू होने से वो स्टेटमेंट फॉल्स ही बन जाएगा. ओके, दिस द कंडीशन फॉर बाई कंडीशनल. तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट करेंगे इक्विवेलेंट स्टेटमेंट. ओके, तो व्हेन टू कंपोजिट प्रोपोजिशंस फॉर्मड आउट ऑफ द सेम प्राइम कंपोनेंट्स हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू फॉर ईच पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द प्राइम कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट. ओके, तो देखो सपोज एक पियन एक कंपोनेंट था, मतलब कंपोजिशन प्रोपोजिशन था. पियन मतलब जो भी तीन चार ठो स्टेटमेंट का कंपोजिशन लॉजिक के. ओके, स्टेटमेंट है तो उसके हिसाब से पी टू भी ऐसे ही है, तो उनका जो ट्रुथ वैल्यू आएगा पी वन का जो ट्रुथ वैल्यू आएगा पी टू का भी सही मानने से, तो उसको बोल सकते हैं हम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट. ओके, तो पी वन का जो भी स्टेटमेंट आएगा तो पी टू का ही वही स्टेटमेंट आना चाहिए, मतलब ट्रुथ टेबल सेम आना चाहिए. उसके बाद हम बोल सकते हैं ट्रुथ टेबल जो भी सेम आएगा तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट. ओके, तो सिंपल ऐसे बोल सकते हैं दो या तीन चार ठो कंपोजिट प्रोपोजिशन जब भी इक्वल ट्रुथ टेबल बना पाएंगे तो उसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट. ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन, आगे जाएंगे हम. तो देखो हम लिख सकते हैं पी वन इक्विवेलेंट टू पी टू, तो उसका सिंबल ऐसे लिख सकते हैं, देन वो भी लिख सकते हैं पी इम्प्लीकेशन पी टू, तो उसका जो मतलब है आगे पढ़ेंगे, तो प्लीज नोट इट डाउन, नेक्स्ट जाएंगे. देखो फ्रेंड्स इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का कुछ एग्जांपल कर देंगे. तो फर्स्ट इज पी इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, तो
तो पी का नेगेशन का नेगेशन करेंगे तो वो पी बन जाएगा, तो उसका एक करेंगे देन पी और क्यू, सॉरी उसका मतलब है पी और, ओके तो मैं पहला बोल चुका हूँ, तो पी और क्यू इज इक्वलेंट टू नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ओके तो कर लेंगे देन दिस इज नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वलेंट टू नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, देन नेगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्वलेंट टू नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, तो उसका मतलब एंड उसका मतलब और, तो वो दोनों को हम बोल सकते हैं डी मॉर्गन्स ला, ओके डी मॉर्गन्स ला बोल सकते हैं वो दोनों को सिर्फ, ओके तो एग्जाम में ज़्यादा टाइम आते हैं तो नोट कर दो पिंस, तो देखो देखेंगे तो पहले करेंगे पी ऑफ नेगेशन पी, देखो कैसे करेंगे तो एक ही स्टेटमेंट उसमें है तो पी को ले जाएंगे तो पी दोनों बारी हो सकता है, एक वरना ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा, ओके दोनों कंडीशन हो सकते हैं, देन टी एफ तो उसका नेगेशन बन जाएगा क्या एफ टी, मतलब टी होने से नेगेशन हो जाएगा एफ, देन एफ का टी हो जाएगा, मैं पहले बोल चुका हूँ नेगेशन इज डेनियल ऑफ पी मतलब अपोजिट ऑफ पी, तो पी ट्रू होने से फॉल्स हो जाएगा देन पी एफ पी फॉल्स होने से नेगेशन पी ट्रू बन जाएगा, ओके तो उसके बाद करेंगे नेगेशन ऑफ नेगेशन पी करेंगे, देन देखो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी करेंगे तो नेगेशन पी का फिर नेगेशन करेंगे तो वो एफ है ना उसका नेगेशन करेंगे तो टी बन जाएगा, देन टी इज चेंजेड इन टू बिकम्स एफ, ओके तो देखो पी का जो था देन नेगेशन ऑफ नेगेशन पी का वही स्टेटमेंट आ गया, तो पी इज इक्वलेंट टू नेगेशन पी ऑफ नेगेशन की, ओके समझ में आया, तो नेक्स्ट देखो और एक करेंगे तो हमको चाहिए इधर, देखो फ्रेंड्स सेकंड वाला प्रूव करेंगे पी और क्यू इज इक्वलेंट टू नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू प्रूव करेंगे, तो हमको चाहिए पहले पी उसके बाद क्यू चाहिए, देन देखो नेगेशन पी चाहिए देन चाहिए नेगेशन क्यू, समझ में आ रहा है कि नहीं, पी क्यू चाहिए उसके बाद नेगेशन पी रिक्वायरमेंट है तो नेगेशन पी क्यू रिक्वायरमेंट है वो लिख देंगे, उसके बाद हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखना पड़ेगा पी और क्यू चाहिए, पी और क्यू भी चाहिए उसके बाद लिखना पड़ेगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू भी चाहिए, समझ में आया कि नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू चाहिए, देन उसका नेगेशन करेंगे तो बन जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, समझ में आया, तो पहले जो टेबल ट्रूथ टेबल बनाने के लिए जो जो चाहिए हमको वो सब लिखना पड़ेगा, तो हमको पी एंड क्यू चाहिए था नेगेशन पी नेगेशन क्यू चाहिए था देन पी और क्यू चाहिए था उसके बाद नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू चाहिए उसके बाद हमारे रिक्वायरमेंट से नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ओके तो उसके हिसाब से हम टेबल को आगे बढ़ाएंगे, देखो कैसे बनते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस, तो प्लीज नोट इट नोट इट प्लेस, तो देखो पहले पी बन जाएगा पी क्यू टी टी बन जाएगा देन टी एफ देन बन जाएगा एफ टी देन बन जाएगा एफ एफ, तो हमारा पहले जान चुके हैं, उसके बाद लिखेंगे नेगेशन पी निकालेंगे, नेगेशन मतलब पी का जो अपोजिट होगा ट्रू होने से फॉल्स होगा फॉल्स होने ट्रू होगा, तो टी इज कन्वर्टेड इन टू एफ टी इज कन्वर्टेड इन टू एफ एफ इज कन्वर्टेड टू एफ एंड एफ बिकम्स टी, ओके उसके बाद क्यू को नेगेशन करेंगे तो टी का टी बिकम्स एफ देन एफ बिकम्स टी देन टी बिकम्स एफ देन एफ बिकम्स टी, समझ में आया, देन करेंगे पी और क्यू का एंड प्रोसेस करेंगे सॉरी पी एंड क्यू का और प्रोसेस करेंगे, और मतलब दोनों ट्रू होने से सॉरी दोनों फॉल्स होने से फॉल्स अदरवाइज इट विल बी ट्रू, ओके दोनों पी एंड क्यू स्टेटमेंट जब फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा अदरवाइज इट विल बी ट्रू, तो टी टी बन जाएगा टी क्योंकि दोनों टी है टी बन जाएगा देन टी एफ अदरवाइज ट्रू क्योंकि वहाँ पर एक ट्रू है दोनों फॉल्स होने से फॉल्स, ओके तो टी टी बन गया टी देन टी एफ बन जाएगा टी देन एफ टी बन जाएगा ऑल्सो टी देन एफ एफ बन जाएगा एफ दोनों फॉल्स होने से फॉल्स अदरवाइज इट विल बी ट्रू, ओके तो इट बिकम्स टी 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 देन टी एफ बिकम्स टी एफ टी बिकम्स टी देन एफ एफ बिकम्स एफ, ओके तो नेक्स्ट देखेंगे नेगेशन पी एंड करेंगे नेगेशन क्यू के साथ, ओके एंड प्रोसेस करेंगे एंड, समझ में आया तो एंड करने से क्या होगा दोनों ट्रू होने से ट्रू अदरवाइज इट विल बी फॉल्स, तो दोनों दोनों मतलब क्या नेगेशन क्यू और नेगेशन क्यू साथ एंड प्रोसेस करेंगे तो वो दोनों का देखेंगे, तो नेगेशन पी के साथ नेगेशन क्यू का एंड प्रोसेस करेंगे एंड मतलब दोनों टी होने से टी होगा अदरवाइज इट विल बी फॉल्स, ओके तो एफ एफ फॉल्स देन एफ टी भी फॉल्स क्योंकि वो दोनों क्या है दोनों टी होना चाहिए तो दोनों टी होने के लिए लास्ट में है प्रोसेस देखेंगे, तो एफ टी होने से फॉल्स देन टी एफ होने से वो फॉल्स बन जाएगा देन टी टी होने से वो टी बन जाएगा क्योंकि दोनों टी होने से वो टी बन जाएगा, ओके उसके बाद देखा वो पूरा प्रोसेस को हम क्या करेंगे नेगेशन करेंगे वो पूरा को पूरा नेगेशन करेंगे, तो उसका नेगेशन कर दो
तो ये बन जाएगा टी, देन ये बन जाएगा टी, ये बन जाएगा टी, देन टी बन जाएगा एफ, तो उसका नेगेशन कर देंगे। तो इधर देखो थोड़ा, वो जो हमारा पी और क्यू जो जितना भी ट्रुथ टेबल आया था, नेगेशन पी ऑफ नेगेशन क्यू एंड नेगेशन क्यू भी सेम प्रोसेस, मतलब सेम ट्रुथ टेबल आ गया। ओके, तो उसको हिसाब से हम लिख सकते हैं पी और क्यू इक्विवेलेंट टू दिस, समझ में? तो वो दोनों सेम करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आगे जाएंगे तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देन देखो फ्रेंड्स, हम प्रूफ करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो पहले प्रूफ करेंगे। देखो तो नेगेशन पी करने के लिए तो हमको चाहिए पी चाहिए क्यू चाहिए, देन चाहिए पी एंड क्यू, समझ में आया कि नहीं? देन चाहिए पी एंड क्यू। ओके, उसके बाद उसका नेगेशन करेंगे, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू भी चाहिए। उसके बाद करेंगे नेगेशन, सॉरी वो थोड़ा अच्छे से लिख देंगे, तो हमको चाहिए पी एंड क्यू, नेगेशन पी भी चाहिए, तो नेगेशन पी लिख देंगे पहले। उसके बाद नेगेशन क्यू भी चाहिए, नेगेशन क्यू लिख देंगे। उसके बाद चाहिए पी एंड क्यू चाहिए, पी एंड क्यू लिख देंगे। उसके बाद नेगेशन पी एफ की एंड क्यू चाहिए। ओके, तो लास्ट में चाहिए हमारा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू चाहिए। ओके, तो जो जो रिक्वायरमेंट है वो लिख दिए ऑफ, देन स्टार्ट करेंगे प्रोसेस। ओके, तो देखो हमारा ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, पी एंड क्यू को टी टी टी, देन टी एफ, उसके बाद एफ टी बनाएंगे, देन बनाएंगे एफ एफ। ओके, तो नेगेशन पी निकालो कैसे होगा, टी टी सॉरी टी का पी का नेगेशन करेंगे तो वो बन जाएगा टी बिकम्स एफ, देन टी बिकम्स एफ, एफ बिकम्स टी एंड एफ बिकम्स टी। उसके बाद करेंगे नेगेशन क्यू करेंगे तो टी बिकम्स एफ, देन एफ बिकम्स टी, देन टी बिकम्स एफ, देन एफ बिकम्स टी। ओके, देन करेंगे पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या एंड प्रोसेस करेंगे, एंड मतलब दोनों ट्रू होने से ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। तो टी टी बन जाएगा टी, देन टी ए बन जाएगा एफ, देन एफ टी बन जाएगा एफ, देन एफ ए बन जाएगा एफ, समझ में आया? एंड प्रोसेस करना है ना। तो उसके बाद देखो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू जितना भी आया उसको नेगेशन करेंगे। ओके, तो नेगेशन बन जाएगा टी बिकम्स एफ, देन एफ बिकम्स टी, टी टी, तो दोनों एफ बन गया तीन ठो टी। ओके, उसके बाद देखो नेगेशन पी एंड सॉरी और नेगेशन क्यू का प्रोसेस करेंगे, वो दोनों को और करेंगे, और मतलब क्या है, दोनों फॉल्स होने से इट विल बी ट्रू, तो दोनों फॉल्स, तो पहले फॉल्स है तो फॉल्स बन जाएगा फॉल्स, देन एफ एंड टी बन जाएगा टी, देन एफ टी एंड एफ बन जाएगा टी, देन टी एंड टी बन जाएगा टी, समझ में आया? तो उसके हिसाब देखो हमारा, ध्यान दो इधर, पी एंड क्यू जितना आया, सॉरी हाँ, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू जितना आया, देन नेगेशन ऑफ सॉरी नेगेशन पी और नेगेशन क्यू उतना आया, दोनों सेम आया ना, तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं नेगेशन पी एंड क्यू इज इक्वलेंट टू नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। ओके, तो उसके हिसाब से हम ऐसे नेगेशन प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो डी मॉर्गन्स लॉ ज़्यादा टाइम एग्जाम में आते हैं, बी एस सी और प्लस टू फर्स्ट ईयर में भी आते हैं, तो जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट, तो प्लीज़ नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देन देखो फ्रेंड्स, वो फोर्थ वाला प्रूफ करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ का। इधर हमको चाहिए पी चाहिए, क्यू चाहिए, देन पी सॉरी नेगेशन पी चाहिए, देन नेगेशन क्यू चाहिए, पी और क्यू चाहिए, और नेगेशन ऑफ पी और क्यू चाहिए, देन चाहिए नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू चाहिए। ओके, तो हम जो रिक्वायरमेंट था वो सबको लिख दें अब, तो अभी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो वो हो गया टी 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 एफ, देन एफ टी, देन बन गया एफ एफ। ओके, तो नेगेशन पी हो जाएगा उसका अपोजिट एफ एफ टी टी, सेम नेगेशन की भी बन जाएगा एफ टी एफ टी। ओके, तो पी और क्यू करेंगे, वो दोनों को और करेंगे, और करने से टी 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 अदरवाइज फॉल्स, सॉरी एफ एफ फॉल्स अदरवाइज इट विल बी ट्रू, तो टी 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 टी, देन वो बन गया एफ एफ फॉल्स बन गया। उसके बाद उसका नेगेशन करेंगे, उसका नेगेशन मतलब पी और क्यू का नेगेशन करेंगे, वो तो बन जाएगा एफ 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 बिकम्स टी, क्योंकि वो तीन ठो टी था वो एफ हो गया, टी था एफ हो गया, टी था एफ हो गया, देन एफ था टी हो गया। ओके, उसके बाद देखो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू करेंगे, तो नेगेशन पी एंड के साथ जोड़ेंगे नेगेशन पी को क्यू को, तो बन जाएगा एफ एफ एंड करेंगे तो फॉल्स बन जाएगा, देन एफ टी भी फॉल्स बन जाएगा, देन एफ टी एफ फॉल्स बन जाएगा, देन टी 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 बन जाएगा, क्योंकि एंड करने से
वो हमारा जो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने से ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। तो एफ एफ बिकम्स एफ, एफ टी बिकम्स एफ, टी एफ बिकम्स एफ एंड टी टी बिकम्स टी। ओके, इन दिस वे वी विल फाइंड आउट नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज सेम एज टू नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ओके, तो इन दिस वे वी कैन राइट नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, सॉरी पी और क्यू इज इक्वलेंट टू नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स, आगे जाएंगे हम। देखो फ्रेंड्स, और दो तो कंपोजिट इक्विवेलेंट क्लास देखेंगे। तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है कि पी एंड क्यू और आर इज इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू एंड पी और आर। ओके, वो दो तो इक्विवेलेंट क्लास है, तो फॉर्मूला भी बोल सकते हैं वो दोनों को। देन पी और क्यू एंड आर इज इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू, सॉरी पी और क्यू, बीच में एंड रुकेगा, उसके बाद पी और आर। ओके, वो दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। दोनों कैसे प्रूफ करेंगे, एक प्रूफ करूंगा मैं, उसके बाद आप घर में भी ट्राई करते हो सिक्स नंबर का, तो नहीं जी सेम लगेगा। ओके, तो देखो हम फर्स्ट वाला पहले प्रूफ करेंगे, पी क्यू आर चाहिए हमको, तो लिखेंगे पी चाहिए, क्यू चाहिए, आर चाहिए, देन चाहिए हमको क्यू और आर, समझ में आया कि नहीं, क्यू और आर चाहिए, देन उसके बाद चाहिए पी एंड क्यू और आर चाहिए, उसके बाद देखो P एंड Q चाहिए, उसके बाद चाहिए P और R, सॉरी हाँ P एंड Q, देन P एंड R चाहिए, उसके बाद देखो P एंड Q और P एंड R चाहिए। ओके, तो हमारा जो जो रिक्वायरमेंट था पहले लिख चुके हैं, उसके बाद देखो आगे ले जाएंगे प्रोसेस को। तो देखो पी क्यू आर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब दोनों जब भी पी क्यू था हम लिख सकते हैं टी 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 एफ देन एफ टी एफ एफ, तो तीन टा होने से हमारा एट टाइप्स का ट्रूथ टेबल बन जाएगा। ओके, तो दो होने से चार, देन तीन टाइप्स का होने से हमारा एट ठो बन जाएगा। सपोज एक कॉइन को ट्राई करेंगे, सॉरी एक कॉइन को टॉस करेंगे थ्री टाइम्स, देन इट बिकम्स एट पार्टिसिपेशन, मतलब एट टाइप्स का एक फॉर्मेशन बन जाएगा। तो कैसे बन पाएगा देखो, तो इसको लिखने के लिए हम एक ट्रिक हैं, तो ट्रिक को फॉलो से हम इजी में लिख सकते हैं। तो पहले क्या करना चाहिए, चार टो टी, उसके बाद लिख देंगे चार टो एफ, चार टी एंड चार एफ लिख देंगे, उसके बाद क्यू में क्या करेंगे, दोनों टी दोनों एफ लिख देंगे, देन दोनों टी दोनों एफ लिख देंगे, समझ में आया। देन देखो आगे जाएंगे, आर को क्या करेंगे, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, तो ऐसे बन जाएगा देखो टी 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 एफ टी एफ टी, देन टी एफ 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 टी टी एफ टी एफ 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 टी एफ एफ एफ, ऐसे सीरीज में बन जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए पहले, तो पी स्टेटमेंट के लिए चार टी एंड चार एफ लिख देंगे, देन क्यू स्टेटमेंट के लिए दो टी दो एफ ऐसे कंटिन्यू कर देंगे, देन आर करने के लिए टी एफ टी एफ टी पे कैसे कंड कर देंगे। तो ऐसे एट टाइप्स का हमारा ट्रू टेबल बन जाएगा, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो एट टाइप्स का एक ट्रू टेबल बन जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम को आगे जाएंगे। ओके, तो ऐसे करने के लिए देखो इसे थोड़ा कर देंगे, तो देन देखो प्रॉब्लम को आगे ले जाएंगे। Q एंड R करेंगे, क्या करेंगे, Q एंड R मतलब वो दोनों को एंड टेबल करेंगे, एंड मतलब सॉरी और टेबल करेंगे, Q और R करेंगे, तो और करने के लिए एफ एफ होने से फॉल्स होगा, अदरवाइज इट विल बी ट्रू, तो टी और ट्रू सॉरी टी और टी टी बन जाएगा, टी आर ऑफ टी, एफ और टी बिकम्स टी, देन एफ एफ बिकम्स एफ, क्योंकि दोनों फॉल्स होने से फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी ट्रू, देन टी और टी 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 एफ बिकम्स टी, एफ टी बिकम्स टी, देन एफ एफ बिकम्स, समझ में आया, हमारा हो गया क्यू एंड सॉरी क्यू और आर। उसके बाद क्या करेंगे, पी एंड क्यू और आर मतलब पी के साथ क्यू और आर का एंड जोड़ेंगे, एंड से का जोड़ेंगे, तो एंड जोड़ने के लिए हमारे क्या चाहिए, तो दोनों एफ होने से सॉरी दोनों ट्रू होने से ट्रू, अदरवाइज डब्ल्यू फॉल्स, तो जोड़ेंगे देखो पी के साथ क्यू और आर जोड़ेंगे, तो पी के साथ क्यू और आर देखो, तो टी टी बिकम्स टी, क्योंकि एंड टेबल में दोनों टी होने से वो टी बन जाएगा। ओके, then T T becomes T, then T T becomes T, then T F becomes F, okay? then F T becomes F, F T becomes F, F F T becomes F, then F F becomes F. तो हमारा हो गया P और Q एंड R।
उसके बाद क्या लाएंगे, पी एंड क्यू लाएंगे। तो पी एंड क्यू निकालने के लिए देखो पी एंड क्यू को एंड के साथ जोड़ेंगे, तो टी टी टी, देन टी टी टी, देन टी एफ, एंड करने से वो क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा, क्योंकि दोनों ट्री होना चाहिए एंड टेबल के लिए। तो उसके टी एफ एफ, एफ टी एफ, समझ में आया, एफ टी एफ, एफ एफ एफ, देन फॉल्स, फॉल्स भी फॉल्स बन जाएगा। उसके बाद देखो पी एंड आर करेंगे, तो P के साथ R का एंड गेट करेंगे, तो टी टी बन जाएगा T, देन टी एफ बन जाएगा F, देन टी टी बन जाएगा T, ओके, देन टी एफ एफ, देन एफ टी, सॉरी F बन जाएगा, देन एफ एफ फॉल्स, सॉरी हाँ एफ एफ फॉल्स, एफ टी बिकम्स फॉल्स, सॉरी एफ एफ मतलब फॉल्स, इससे बन जाएगा हमारा P एंड R। उसके बाद क्या करेंगे, P एंड Q एंड P एंड R का और गेट जोड़ेंगे, और में जोड़ेंगे वो दोनों को, और में जोड़ेंगे वो दोनों को, ओके। तो टी टी मतलब टी बन जाएगा, टी एफ मतलब टी बन जाएगा, क्योंकि दोनों फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स होने से फॉल्स होगा, अदरवाइज विल बी ट्रू। तो टी टी, सॉरी टी एफ टी भी टी बन जाएगा, देन एफ एफ फॉल्स, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स। तो उधर थोड़ा ध्यान दो, पी एंड क्यू आर जितना आया था, देन पी एंड क्यू और के साथ पी एंड आर जोड़ने से भी उतना आया, ट्रिपल टी एफ, देन ट्रिपल टी एफ एफ आ गया, ओके। तो उसके हिसाब से हमारा P एंड Q एंड R का इक्विवेलेंट टू P एंड Q और P एंड R ऐसे बन गया हमारा, ओके। तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स, देन देखो वो भी आप खुद कर सकते हो घर पे, P एंड Q एंड R, देन P और Q एंड P और R ऐसे कर सकते हैं हम। तो इसके सेम सेम होगा डिटो प्रोसेस, ऐसे फॉलो हो जाओ। तो जिसका भी नया हो रहा है मुझे दे गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हो, ओके। तो जिसको समझ में आया उन देखो फ्रेंड्स, आज हम सीखे हैं बाई कंडीशनल, देन इनवर्स कन्वर्स एंड कंट्रापोजिटिव, देन हम सीखे हैं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में वो चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब बच्चे वो वीडियो को देख पाएंगे एंड पढ़ पाएंगे, ओके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।